सरस्वती जल्दी से नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ। अरे ऐसा क्या बना रही हो जो इतनी देर कर रही हो? आज बहुत कुछ बनाया है मैंने, आलू के पराठे, हलवा, पूरी, चना और आमलेट। वाह वाह वाह, ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ ऑमलेट मेरे लिए, बाकी सब किसके लिए? अपनी छोटी बहन के लिए। तुम्हारी छोटी बहन? वो कब पैदा हुई? अरे कल जिसने मुझे बचाने के लिए अपना सर फुड़वा लिया था, वो जया। आप नाश्ता कीजिए, तब तक मैं उसे खिला कर आती हूँ। देख रही हो दादी माँ, धीरे धीरे वो लड़की मेरी बीवी से अपनी दोस्ती बढ़ा रही है। अब क्या करूँ, इस लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ आइडिया दो दादी माँ, कुछ आइडिया दो। अरे इतना क्या सोच रही हो दादी माँ, सोचने सोचने में तो तुम्हारे पोते का बसा बसा घर उजड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग अजय बाबू, बड़े हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है शर्मा जी, आज बड़े अच्छे सुर में बात कर रहे हैं आप। वो क्या है, मेरे स्कूटर का पिछला टायर पंचर हो गया, इसलिए सोचा आज आपके साथ बैठ। ठहरिए, आपका पिछला टायर पंचर है लेकिन मेरी पिछली सीट पर सिर्फ औरत बैठ सकती है। कोई बात नहीं, मैं लिफ्ट के लिए औरत भी बन सकता हूँ। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी भाभी की नायलॉन की साड़ी पहनकर आता। मैंने औरत की बात की है, छक्के की नहीं। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये शर्मा जी कि मेरी पिछली सीट पर सिर्फ मेरी औरत बैठ सकती है, ओनली माई वाइफ। आप बस में क्यों नहीं बैठ कर जाते? बस बस बस, मैं बस में बैठ कर जाऊँ या खड़ा होकर जाऊँ, मुझे आपके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है, एक रुपए का टिकट खर्च करूंगा तो बस में आराम से 10 औरतों के धक्के खाते हुए जाऊंगा। बड़ा स्कूटर। अरे रुकिए रुकिए, तो जया को साथ लेते जाइए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल छोड़ दीजिएगा। सरस्वती मुझे वैसे ही देर हो रही है, ये ऑटो में बैठकर चली जाएगी। आप भी कमाल की बात करते हैं, अस्पताल रास्ते में ही तो है, छोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अभी कहाँ ऑटो ढूंढेगी, चल बैठ जाए। लो अब इधर उधर क्या देख रहे हैं, अब देर नहीं हो रही है, जाइए। टाटा। ए, जरा ठीक से पकड़ के बैठ जा वरना गिर जाएगी। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। ठीक से ही तो बैठी हूँ। हाथ निकालो कमर से, हाथ निकालो। हाथ कैसे निकालूं, गिर जाऊंगी तो। ओह माय गॉड, रुकिए रुकिए, हम कहते हैं जरा रुकिए। अजय बाबू, इस रोमांटिक पोज में कैन यू गिव मी सम आइडिया, ये कौन है? वो क्या है? बस सवाल का जवाब दीजिए, कौन है ये? वो क्या है? क्या हो गया आपको, आप मुझे नहीं जानते? मैं तुमको जानता हूँ जया, पर तुम इनको नहीं जानती। जानती हो अभी इन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? यही कि स्कूटर की पिछली सीट पर ये सिर्फ अपनी पत्नी को बिठाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये किसी और को नहीं बिठाते, ये इनका असूल है। अजय बाबू, अब आपका असूल क्या कहता है, जया आपकी पत्नी है या इसकी शक्ल देखकर आपने अपना असूल बदल दिया है? आप चुप क्यों है सर, जवाब दीजिए ना। तुम चुप रहो। देखिए शर्मा जी, बस वंडरफुल एक्टिंग बंद कीजिए, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है। वैसे हमारा कैलकुलेशन भी यही कहता है। जया, मंगलसूत्र मुबारक हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, बाय बाय। पता नहीं सर क्या मनहूस जमाना आ गया है। सर कोई सोच सकता था हमारे देश में ऐसे भी दिन आएंगे? क्या बात है सर, ये टेलीग्राम किसका है? अपनी जया का। उसके पिता मिलिट्री में थे, टेररिस्ट को रोकते रोकते शहीद हो गए। उनकी हाई कमांड ने कहा कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक जया को यहीं रखा जाए, वहां ना भेजा जाए। सर वो वापस जाएगी भी कहां, उसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा और कोई था भी नहीं। अरे शकुन, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे लाल। हम जरा जल्दी में है, पान किसी और से मंगवा लो। अरे पान नहीं चाहिए। हम तो तुमसे ये पूछ रहे थे कि हमारे इलाके में कोई अनाथ आश्रम है क्या? हाँ, आपको अनाथ आश्रम की जरूरत काहे को पड़ गई? घर छोड़कर वहाँ काहे जा रहे हो? मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, जया के लिए चाहिए। बेचारी अनाथ हो गई है ना, जब उसका बाप जिंदा था तो रेगुलरली किराया आता रहता था, लेकिन जब से उसकी छुट्टी हुई है मेरे किराए की भी छुट्टी हो गई है। इसलिए हमारा कैलकुलेशन कहता है कि बेचारी को अनाथ आश्रम में भर्ती करा दे, दूसरे अनाथों की कंपनी में कुछ रहेगी। तुम्हारा कैलकुलेशन क्या कहता है? हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि हम तुमको जितना कमीना समझते थे तुम उससे दुई कदम आगे हो। चुप रहिए और हाथ हटाइए। अरे ये दुख का समय जब वो बेचारी को तुम्हारी मदद का जरूरत है, तुम कुछ रुपयों के लिए उसे अपने घर से निकाल रहे हो, अनाथ आश्रम भेज रहे हो। हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे
कि तुम्हें जल्दी अनाथ बनाए और फिर हम तुमको लेके जाएंगे अनाथ आश्रम जबरदस्ती कुत्ते की तरह पीटते हुए। छगन, छोडूंगा नहीं मैं तुझको। तेरे को भी अनाथ ना बनाया तो मेरा नाम पानी पूरी नहीं। जया किसी अनाथ आश्रम में रहने जा रही है। किसी में क्यों, वहाँ क्यों नहीं जा? तुम थी वहाँ, तुम्हारी जान पहचान भी है, वो लोग ज्यादा ख्याल रखेंगे उसका। कैसे इंसान है आप? आपके सीने में दिल है या नहीं? एक ऐसी लड़की जो बचपन से आज तक रानियों की तरह रही है, अचानक पिता के मरने के बाद अनाथ हो गई, अनाथ आश्रम में रहने की बात कर रही है और आपके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। सरस्वती, दूसरों की मुसीबत हम अपने सर पर क्यों मोल लें? अजीब बात करते हैं आप। जया तो मेरी बहन जैसी है, जब आपकी साली जैसी हुई ना, और आप तो उसकी टीचर भी रह चुके। हमारे घर में रहेगी, हमारे घर से ज्यादा अच्छी जगह उसके लिए और कौन सी हो सकती है बताइए। हमारे घर में एक तो कुंवारी लड़की, ऊपर से जवान भी, हमारे घर में कैसे रह सकती वो? मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हो। सुना तुमने? अरे उसे भी हमारे घर में रहना पसंद नहीं है। उसको मनाना मेरा काम है, पहले आप बताइए, आपको तो कोई एतराज नहीं है? एतराज होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सारी वजह बतानी पड़ेंगी। मेरी तरफ से वो खुशी से रह सकती, मुझे क्या। थैंक यू। देखा जया तुम्हारे जीजा जी ने क्या कहा, चल अंदर। इस तरह फेंकने से क्या ये चलने लग जाएगा? उल्टा और खराब हो जाएगा ना। अरे मेरी किस्मत ही खराब है, कितने प्यार से ये कैसेट लाया था, सोचा था रात भर बैठकर गाना सुनूंगा, पर ये कैसेट प्लेयर ही नहीं चल रहा। मगर मैं भी हार नहीं मानूंगा, चाहे सारी रात बीत जाए, इसे ठीक करके मैं गाना सुनकर ही रहूंगा। क्यों जी, जो इसमें बजेगा वही गाना कहलाएगा? अगर मैं गाना गाऊंगी तो वो गाना नहीं होगा क्या? सरस्वती, ये क्या सुन रहा हूं मैं, तुम्हें गाना आता है? तो और क्या, मुझे तो यूं ही समझ रखा है। पता है जब हमारे आश्रम में कोई बड़ा आदमी आता था तो सब लोग मुझे ही गाने के लिए कहते थे। अच्छा? अरे इतनी बड़ी बात तुम सुहागरात के दिन ही बता देती तो तुम्हारा कुछ जाता? आपने पूछा ही नहीं, मैं कैसे बताती। ओह करेक्ट करेक्ट, अब जो मुझे पता चल गया है तो जल्दी से एक अच्छा सा गाना सुनाओ। सुनाओ? हाँ। अच्छा। क्या हुआ? दरवाजा खुला है। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जया बाहर सोई है, मैं नहीं चाहती आपके सिवाय मेरा गाना कोई और सुने। हाँ ये भी ठीक है दरवाजा बंद करके आता हूँ। चलो अब सुनाओ। नहीं मुझे शर्म आती है। अब किससे शर्म आ रही है? आपसे। अरे दूसरी बातों में तो शर्म नहीं आती, गाना गाने में शर्म आओगी। चलो गाओ। नहीं आप मेरी शक्ल देखेंगे तो मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा। आप उस तरह मुंह करके बैठी है ना, तो फिर तुम्हें मैं गाते हुए देखूंगा कैसे? हाँ गाना देखा थोड़ी जाता है, गाना तो सुना जाता है। मुड़िए ना। अच्छा बाबा ये लो। भगवान भगवान ए दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। भगवान गाना पसंद नहीं आया? भगवान के लिए सो जाओ सरस्वती, मुझसे तुम्हारे ये दर्द भरे नाले सुने नहीं जाते, सो जाओ। जया जब मैं अनाथ आश्रम में गाना गाकर सुनाती थी ना तो लोग मेरी कितनी तारीफ करते थे, मगर कल रात मेरा गाना सुनते ही वो सो गए। हो सकता है उन्हें बहुत नींद आ रही हो। नहीं जया, आज सुबह भी ठीक से बात नहीं की उन्होंने मुझसे। मैं तुझे गाना गाकर सुनाती हूँ। हाँ तू सच सच बताना मैंने कैसा गाया। ओके ये पकड़। हाँ ए दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। भगवान भगवान दीदी आपका गला बहुत अच्छा है, लेकिन आपका गाना बहुत ही बकवास है। हा? कोई बात नहीं, जिस तरह मैंने आपको खाना बनाना सिखाया था ना
उसी तरह एक हफ्ते में आपको गाना गाना भी सिखा दूंगी। ओके सच्ची? हाँ।